तो यार अभी मैं फाइनली इसका नाम आपको बता देता हूँ, कमेंट में दोस्तों ने कहा था। ये देखो हमारे बड़े वाला जो ब्रीडर है ना, ये भी टोका खा रहे हैं। माशाल्लाह यार, ये देखे ओए हो यार, ये मारा हुआ है। ये वाले हैं, ये मेल है, मेल की चोंच रेड होती है और फीमेल की चोंच। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? हमारी डक सुबह से बंद है तो अभी मैं इसको खोलने आया हूँ और इसको अभी हम थोड़ा सा नहलाएंगे भी सही, क्योंकि यार इसको गर्मी लग रही होगी ना। इसको अभी हम पकड़ के नहलाएंगे थोड़ा सा और फिर बाहर ना यार मैं इसको इसकी खुराक भी दे दूँगा। यार अभी इसको पकड़ के थोड़ा सा नहलाते हैं। आ जाओ भाई आ जाओ यार, इसके ये वाले पर देखें कितने खूबसूरत हैं। ये देखें इसमें मल्टी कलर है, अरे माशाल्लाह ब्लू टाइप के जैसे मोर के होते हैं ना वैसे हैं। तो यार मैंने हमारी डक पकड़ ली है और यार आज इसका नाम भी हम रखेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। कुछ फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया था तो वो इसका नाम भी आज रखते हैं, लेकिन यार अभी जो है ना फिलहाल इसको लेके चलते हैं और इसको नहलाते हैं थोड़ा सा। यार ये देखो इसने मेरे कपड़े ख़राब कर दिए सारे, लेकिन कोई बात नहीं, अभी इसको हम नहलाएंगे ना, देखिए कितना प्यारा लगेगा। ये देखना आप, अभी देखना यार गाइस, मैं इसको जैसे ही फेंकूंगा ना इतना खुश होके नहाएगा और ये फ्लाई करके रुक जाएगा वहाँ पे। यार ये देखिए अभी कितनी खुशी से नहा रहा है। और यार मैं ना इसको रोज़ 2-3 टाइम पे नहलाता हूँ, एक सुबह में और अभी तो दोपहर का टाइम है, बहुत ज़्यादा गर्मी हुई हुई है, इसी वजह से ना मैं इसको नहलाने लाया हूँ। देखिए अभी कितना खुश होकर नहा रहा है और बहुत ही ठंडा पानी है। और यार ये देखें हमारे बड़े वाला जो ब्रीडर है ना, ये भी टोका खा रहा है, इसको टोका लगाया है, उसने सुबह भी खाया है, फिर बैठ गया था 5-10 मिनट के लिए और अभी उठ के ना फिर से दोबारा ये खा रहा है। और यार ये जो हमारे बच्चे यहाँ पर हम लेके आए थे, यार ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये कुछ सेहतमंद हो रहे हैं, अभी ठीक हो रहे हैं, हेल्दी हो रहे हैं। शुरू में ना इतने कमज़ोर हो गए थे और अभी ये यहाँ पे काफ़ी भी रहेंगे। खाना फुल हमने लगाया हुआ है और ये मज़े से यहाँ पे बैठा हुआ है, इसने खा भी लिया है थोड़ा सा, ये दोबारा से लगाया है ना, और देखें इसने तो अपना पूरा फिनिश कर लिया दो बार। यार अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी जो है ना इन्होंने खाना स्टार्ट किया, देखें अभी सारे खा रहे हैं, वो वाला एक थोड़ा सा लास्ट वाला कमज़ोर है और बाकी जो है ना ये अभी सेट होते जा रहे हैं। यार ये सेट हो जाएंगे बिल्कुल ही, ये इन्हें आदत हो जाएगी ना जब यहाँ की, तो ये बिल्कुल ही सेट हो जाएंगे। और यार वो देखें हमारी डक भी नहा रही है अभी मज़े से, हम अभी यहाँ पे आ गए ना दूर तो अभी बहुत इंजॉय करके नहा रही है। देखें जब भी हम करीब जाते हैं ना फिर वो डरती है बहुत ज़्यादा। यार ये वाला जो हमारा पूल है ना, इसमें मैं सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए इसको आरजी नहलाता हूँ, क्योंकि यार ये हमारी गायों के लिए पानी वगैरह पीने के लिए ना, फिर इसको अच्छे से साफ़ करके दोबारा हम भरते हैं, इसको ड्रेन करके दोबारा भरते हैं और हमारी जो केटल्स हैं ना वो इसमें पानी पीती हैं। यार इसके लिए हम हमारी पार्क में जो है ना वो एक पूल बनाएंगे जब इसकी और पार्टनर्स भी लेके आएंगे। यार इंशाल्लाह हम इसके लिए और पार्टनर्स भी लेके आएंगे तो फिर इनके लिए ना एक अच्छा सा पूल बनाएंगे वहाँ हमारी जो पार्क है ना उसमें। यार ये देखें क्यूटी वाले यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनको पानी दे दिया था, इनको दाना लेकिन अभी तक मैंने नहीं दिया, इनका दाना मैंने निकाल दिया था। और यार इनका ना आज हमें केज चेंज करना है। यार ये छोटा सा केज है ना, इसमें बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं, इनके पर भी फंस रहे हैं बार बार, देखे ना ये बहुत ही छोटा सा केज है ना, तो इनका केज भी आज हमने चेंज करना है, वहाँ फार्म में इनको हम रखेंगे। बहुत छोटा सा केज है, इसमें देखें इनके पर फंस रहे हैं ना, इनकी पूंछ वगैरह पर वगैरह तो ये ख़राब हो रहे हैं, तो अभी इनको लेके चलते हैं वहाँ फार्म में। यार ये देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कॉमन लुपिनेज है और ये सारे यहीं पर बच्चे हुए हैं। हमारी लव बर्ड्स की जो भी ब्रीड आई थी ना ये सारी हमने रोक रखी है, कुछ बच्चे यहाँ पे हैं और कुछ बच्चे जो है ना वो वहाँ पे हैं, वो थोड़े से छोटे थे ये बड़े थे ना, इसी वजह से यहाँ पर रखे। यार देखें माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यार ये सारे जो भी है ना ये इधर ही हमारे पास ही बच्चे हुए हैं। यार ये देखें हमारा कंटेनर का बच्चा कैसे खेल रहा है झूले के साथ, ऐसे झूल रहा है, ये सारा दिन मस्ती करते रहते हैं, लेकिन यार ये बहुत छोटा सा केज है तो इसको हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। यार हमारे इस वाले फार्म का हमने दाना पानी कर लिया, दाना भी इनको सुबह ही दे दिया था हमने और पानी भी इनको दे दिया था। यार ये एक मेरे पास फीमेल है, इसका मेल मर गया था और वो एक मेल है जिसकी फीमेल मर गई थी, तो यार ये जो फीमेल है ना इसको पकड़ के हम इस मेल के साथ लगा देते हैं, इंशाल्लाह एक पेयर बन जाएगा और ये केज हमारे पास खाली हो जाएगा, तो फिर ये वाली जो फीमेल है ना इसको हम यहाँ डाल देते हैं, क्योंकि यार ये एक सीक्वेंस से बने हुए ना, ये रिंगनेट्स लगे हुए हैं यहाँ पे सारे और यहाँ पे फैन भी है। तो यार क्यूटी वालों को जो है ना हम यहाँ पे रखेंगे, ये हमारे मोसेस के जो बच्चे हैं मदन जो है ना इसके बच्चे हैं, इसको हम वहाँ पे शिफ्ट करेंगे। यार क्यूटी वालों को अगर ऊपर रखेंगे ना फिर उसको हम हाथ पे नहीं उठा पाएंगे, ये केज बहुत ऊपर है हमारी हाइट से ऊपर है, तो इसी वजह से ना क्यूटी वालों को यहाँ पे रखेंगे, मोसेस को वहाँ शिफ्ट करेंगे और इसको जो है ना वहाँ पे शिफ्ट करेंगे। Thank you.
चलो भाई अभी तुम तो ऐसे आ जाओ इजीली, तुम्हें मैं नहीं पकड़ूंगा। क्यूटी आ जाओ, ये देखो यार, यार क्यूटी ना एक जगह पे टिकता ही नहीं है, इसको आराम ही नहीं आता। ये बस बोलता है मैं जंपिंग करूं, बड़ी बड़ी छलांगे लगाऊं, और ये देखें यार क्यूटी उड़ गया। क्यूटी बोलता है बस मैं ना छलांगे लगाऊं बड़ी बड़ी, यार इनका दाना। ये देखें, एक मिनट तुम रुको तो सही, इतनी जल्दी क्यों है यार तुम्हें। वो भी तुम्हारे बहन भाई है लेकिन वो है ना वो शरीफ है। चलो भाई तुम्हारा ये न्यू घर, आ जाओ, चले जाओ चले जाओ वहाँ पे। ये रहा यार, ये अच्छे हैं। क्यूटी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा शरारती है, ये देखें ये शरीफ से हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम्हें मैं न्यू घर दे रहा हूँ। ये देखें भाई, ये शरीफ सा बंदा है। क्यूटी जो है ना एक इनमें से, वो बहुत खतरनाक है। बाकी ये देखें, ये कुछ भी नहीं करते, काटते वगैरह कुछ भी नहीं है, और ये आराम से जो है ना एक हाथ से दूसरे हाथ पे शिफ्ट हो जाते हैं, और ये छलांगे वगैरह भी कुछ नहीं लगाते। ये देखें, ये शरीफ से बंदे हैं, ये बैठे रहते हैं। आ जाओ भाई तुम भी चले जाओ, ये रहा तुम्हारा न्यू घर, यहाँ पे बैठ जाओ। चलो तुम खाने पे बैठ जाओ, ये देखो, और ये रहा तुम्हारा न्यू घर। अब नहीं जाना तुम्हें, अरे जाओ ना यार जाओ। देखो वो तुम्हारे दूसरे बहन भाई भी वहाँ पे रह रहे हैं, तुम भी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये रहा तुम्हारा न्यू घर। यार ये देखें अभी, ये वाला केक बहुत ही बड़ा है, ये वाला बिल्कुल ही छोटा सा था, तो ये वाला केक भी बहुत ही बड़ा है। और यार यहाँ से ना क्यूटी वालों को उठाना भी बहुत ही आसान है। देखें ये आ जाएंगे हाथ पे, ये देखें कूलर भी जो है ना ये बहुत ही इनके करीब है, और ये यहाँ पे खुश रहेंगे इंशाल्लाह। तो यार ये दाना भी हम लेके चलते हैं हमारे कबूतरों के लिए ऊपर, जिसमें बहुत ज़्यादा दाना है। ये वो दाना है जो हमारे पैरट्स जो है ना वापस हम निकालते हैं एक बाल्टी में, इसको फिर हम पंखे की हवा दे देते हैं ना, तो छिलके जो है ना वो इधर आ जाते हैं और दाना बाकी जो है ना वो वहाँ पे रह जाता है। तो यार छिलकों के साथ जो बारिश दाना है ना वो भी बहुत ज़्यादा इसमें आ जाता है, तो इसी वजह से ये सारा दाना मैं लेके जाऊँगा ऊपर अभी कबूतरों के लिए। और यार हमारे जो ऊपर वाले पैरट्स हैं ना उनका भी दाना ख़त्म हो गया था, तो उनके लिए भी दाना मैं बना के चलता हूँ अभी। तो यार दाना जो है ना ये हम अपने हिसाब से मिक्स करते हैं, ये मिक्स दाना हम ले लेते हैं। मिक्स भी वैसे मिलता है मार्केट में, लेकिन जो है ना हम अलग अलग दाना लेके आते हैं और उसको अपने हिसाब से फिर मिक्स करते हैं गर्मी और सर्दी के हिसाब से ना। अभी जैसे गर्मी ज़्यादा है तो अभी हम सूरजमुखी की मिकदार बहुत कम कर देते हैं, और बाकी ये जो है ये तो जब है। और अभी दाना हमारा ख़त्म हो गया है, हम अभी मंगाएँगे दूसरा दाना। और ये जो है कंगनी है सूरजमुखी, यार हम थोड़ा सा इसलिए अभी मिक्स करते हैं, ये देखें बस इतना काफ़ी है अभी इस दाने को हम मिक्स करेंगे। यार दाना हमारा मिक्स हो गया, ये देखें अभी थोड़ा सा इसमें सूरजमुखी और बाकी इसमें जौ है और कंगनी है। फिलहाल हम अभी यही दाना देते हैं, और जब थोड़ी सी सीज़न सही होती है ना फिर हम 7-8 दाने और भी मंगाते हैं। फिर जैसे ही मौसम सही होगा ना 4-5 दाने हम और भी मंगाएंगे। फिर उसमें खुरतम होता है, भंग दाना होता है, बाजरा होता है, कैनी सीड होता है, कंगनी होती है, जौ होता है, जवी होती है, और लाल चावल होते हैं, और ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना ये 7-8 तकरीबन चीज़ें बनती हैं, वो हम मिक्स करके हमारे परिंदों को देते हैं। फिलहाल अभी गर्मी के मौसम में ना सिर्फ ये 3 देते हैं, और हमारे पास दाना जो है ना अभी सारा ख़त्म भी हो गया, अभी और भी मंगाना है। तो यार अभी मैंने दाना उठा लिया, ये हमारे कबूतरों का दाना और ये हमारे परिंदों का दाना। तो यार हमारी डक ने नहा लिया है और ये अभी खुद ही नीचे उतर गई थी, तो अभी इसको हम ना बाहर लेके चलते हैं। तो हमारी डक को ना हम वहाँ पे लेके चलते हैं हमारी पार्क में। यार ये देखें डक्स कितना मज़े से चलती हैं, ऐसे ऐसे होती हैं, ऐसे ऐसे बिल्कुल। मुझे ना इनका चलना इतना ज़्यादा पसंद आता है, ये देखें ऐसे 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 जा रही है। तो यार अभी मैं फाइनली इसका नाम आपको बता देता हूँ। कमेंट में दोस्तों ने कहा था कि इसका नाम हमने रखना है अंबर, अंबर बहुत प्यारा नाम लगा मुझे इसके लिए। तो यार इसका नाम आज से अंबर है, हम इसको अंबर बुलाएंगे। दोस्तों आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि इसका नाम आपको कैसा लगा अंबर, मुझे तो बहुत प्यारा लगा। और यार दोस्तों के भी यही कमेंट्स आ रहे थे कि आप इसका नाम अंबर रखो। यार हमारा अंबर जो है ना ये देखें यहीं पे रहता है, कल परसों से लेके ना इसको मैं जैसे ही खोलता हूँ ना ये यहाँ पे आ जाता है, और जो हमारा नीम का दरख्त है ना इसकी छांव रहती है, और ये जो हमारे पौधों को हम पानी देते हैं ना इसको और सारे पौधों को सुबह में पानी देते हैं। आज तो लाइट थी नहीं इसी वजह से पानी दिया नहीं, तो अंबर जो है ना सारा दिन यहीं पे रहता है। और यार पता नहीं पानी में कुछ ये खाता रहता है, शायद मिट्टी खाता है या पता नहीं यार मुझे,
लेकिन पानी यहाँ पे देते हैं ना, तो ये सारा दिन अंबर यहीं पे ही रहता है इस दरख्त की छाँव के नीचे और पानी में मजे करता है, एंजॉय करता है। तो अंबर अभी तुम यहीं पे रहो और मैं तुम्हारे लिए ना खाना लेके आता हूँ और पानी भी मैं देखूँ कहीं से तुम्हारे लिए लेके आता हूँ यहाँ पे, ठीक है? अभी तुम यहीं पे रुको, मैं आता हूँ कबूतरों को दाना दे के। तो मैं अभी ऊपर आ गया हूँ हमारे कबूतरों के पास और यार देखें बाहर कितनी ज़्यादा धूप है, इसी वजह से ना मैं कबूतर आज नहीं खोल रहा हूँ, मैं शाम के टाइम पे इनको खोलूँगा। यार ये जो दाना है ना ये मैं यहाँ पे इनको दे दूँगा, लेकिन अभी जो है ना अंदर अंदर मैं इनको ये वाला मिक्स दाना दे देता हूँ, ये भी अच्छे से खा लेते हैं, ये बहुत शौक से खाते हैं वैसे। ये देखें अभी सारे आ जाएंगे ना, तो फिलहाल अभी शाम तक के लिए मैं इनको इतना सा दाना जो है ना ये मिक्स वाला दे देता हूँ अपने तोतों वाला। और इनके पास तो यार देखें ये भी है दाना। और यार दोस्तों ये देखें हमारा मोटे वाले कबूतर का बच्चा माशाल्लाह ये बहुत बड़ा हो गया अभी। यार ये देखें हमारे मोटे वाले कबूतर का बच्चा माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ कर गया, अभी इसने सारे पर भी निकाल दिए हैं। और यार ये ना देखें इनके पेरेंट्स से बिल्कुल अलग कलर का है, ये देखें ये इसकी माँ है और इसका जो मेल है ये देखें ये इसका फादर है और वो मदर है, देखें दोनों ही अलग कलर के हैं और ये जो है ना ये अलग कलर का है। तो अभी मैं इसको रख देता हूँ यहाँ पे, यार मैं इनको पानी ला के दे देता हूँ, बाकी दाना तो इनके पास है और बाकी कबूतरों को भी मैंने थोड़ा सा दाना दे दिया है, ये शाम तक खा लेंगे, बाकी जो है ना मैं इनको बाहर दे दूँगा शाम तक। और यार ये वाला जो कबूतर है ना ये रात के टाइम पर मैंने पकड़ा है, तकरीबन 12-1 का टाइम था मैं यहाँ पर आया था, तो ये वाला कबूतर जो है ना ये इस जगह पर बेचारा बैठा हुआ था और यार मैंने सोचा कोई बिल्ली वगैरह आएगी उसको खा लेगी, तो मैं स्टूल लेके आया और रात को 12-1 बजे तकरीबन मैंने इसको यहाँ से पकड़ा है और इसको मैंने अपने वाले कबूतरों के साथ रखा है। ये पता नहीं किसका है, ये विलेज में से किसी का होगा, इसके पर भी बंधे हुए थे लेकिन यार ये फिर भी इतनी ज़्यादा फ्लाई करके आया है, वहाँ पे बैठा हुआ था तो मैंने इसको पकड़ के अंदर किया, सेफ किया, नहीं तो यार बाहर से ना इसको बिल्ली वगैरह खा लेती। तो यार अभी चलते हैं हम हमारे तोतों को दाना देते हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो गई, अजानें भी हो गई हैं, फिर मुझे नमाज भी पढ़नी है। यार हमारा जो गुब्बारे वाला कबूतर था ना उसके बच्चे मर गए थे, और यार वो जो कबूतर थे ना हमारे गुब्बारे वाले वो मेरे से एक कज़न लेके गया है, बोला यार मुझे दे दो, तो वो कबूतर मैंने उसको दे दिए हैं और बच्चे उसके मर गए थे। यार आज जो है ना इसके बच्चे निकलने वाले थे, इसके अंडे में देख के गया था, कल टूक हुए थे, तो देखते हैं अभी इसके बच्चे निकले या ना निकले। आ जाओ भाई, मेरे ख्याल से निकल तो गए, वो देखें एक निकला हुआ है, लड़ रही है यार ये, माशाल्लाह यार ये देखे, ओए यार ये एक मरा हुआ है। यार इसकी भी देखिए सेम कंडीशन है, वही जो हमारे गुब्बारे वाले कबूतर थे ना उसके भी बच्चे ऐसे ही थे, ये भी देखें आधा खुद ही निकला हुआ है और बाकी जो है ना आधा नहीं निकल पाया और वहाँ से कच्चा भी है। ये देखें ये पता नहीं ऐसे अभी क्यों हो रहे हैं, शायद गर्मी की वजह से ऐसे हो रहे हैं। और यार माशाल्लाह ये देखें ये एक बच्चा बिल्कुल सही है और ये निकला भी सही अंडे से खुद ही और इसने खाया हुआ भी है, ये देखें ये बिल्कुल हेल्दी है और ये बिल्कुल ही ठीक है बच्चा। यार ये तो नहीं पता ये कौन से वाले कबूतर का है, क्योंकि इसके नीचे ना हमने दो कैटेगरीज के अंडे रखे हुए थे, एक हमने अंडे रखे हुए थे हमारे वो जो वाइट वाले फ्रिल है ना, एक अंडा इसका था और एक अंडा ये फीमेल थी और ये ब्लैक वाला मेल, एक अंडा इस पेयर का था। अब ये जो बच्चा है ये अब कुछ नहीं पता कि कौन से कबूतर का है, ये जब बड़ा होगा कलर निकालेगा ना तब पता चलेगा कि ये इस वाले पेयर का है या फिर ये हमारे वाइट वाले फ्रिल का है। यार अभी मैं इसको रख देता हूँ यहाँ पे, बाकी यार इसके अंडे जो है ना ये भी निकलने ही वाले होंगे, तकरीबन 2-3 दिन लगेंगे इनको अभी। यार ये जो हमारे लंबू जी कबूतर ने अंडे दिए थे ना यहाँ पे इस जगह पे, वो दोनों ही अंडे ख़राब हो गए थे, कल मैंने चेक किया था दोनों ही अंडे ख़राब थे, उनमें यार फर्टाइल भी हुए थे लेकिन बाद में आके ना वो ख़राब हो गए। यार इसकी बहुत ही कम ब्रीड हमारे पास ना बच सकी है, देखें एक ही बच्चा है, इसको तकरीबन 6 महीने से भी ज़्यादा हो गए हमारे पास लेकिन इसका अभी तक एक बच्चा है। कुछ बच्चे इनके हुए भी थे वो मर गए, कमज़ोर हुए थे शायद वो मर गए, कुछ कैसे हुए लेकिन इनकी ब्रीड ना बहुत कम आ रही है, बाकी के कंपैरिजन में बहुत कम ब्रीड इनकी आ रही है। यार ये देखें ये मॉस्टेज कहलाता है, ये मदन मदन जो मैं बोलता हूँ ना जिसके बच्चे नीचे हैं वो वाला जो है ना वो ये पैरेट है। बहुत से दोस्त मुझसे पूछते हैं यार ये मॉस्टेज जो बोलते हो आप जिसके बच्चे हैं आपके पास मदन वो कौन से हैं, तो यार ये देखें ये वाले हैं, ये मेल है, मेल की चोंच रेड होती है और फीमेल की चोंच ना ब्लैक होती है। और यार कलर देखें इनके माशाल्लाह बहुत प्यारे कलर है, यहाँ पे ये चेस्ट इनकी पिंक है और पिंक भी है, ब्लू भी है, रेड भी है,
बहुत ही प्यारे कलर है माशाल्लाह यार, ये देखें तो मस्टर्ड किए हैं, और ये तो हमारे इंडियन रिंगनेक्स हैं, और ये बहुत महंगी महंगी ब्रीड्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यार, अल्लाह पाक की वजह से सब कुछ हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। और यार ये तो येलो रिंगनेक का पेड़ है, बाकी ये ग्रे पैरट्स हैं यार। वो जो क्लियर टेल में बता रहा हूँ ना, वो क्लियर टेल जो है इंडियन रिंगनेक्स में, वो यार इन ग्रे पैरट्स से भी महंगे हैं। ग्रे पैरट्स भी सस्ते हैं, और क्लियर टेल जो है ना इंडियन रिंगनेक में, वो भी ज़्यादा महंगे होते हैं। लेकिन यार ये बहुत अच्छे लगते हैं मुझे ग्रे पैरट्स। इन्होंने अभी ब्रीड नहीं की मेरे पास, लेकिन फिर भी मैंने रखे हुए हैं, इंशाल्लाह ये ब्रीड कर जाएंगे। क्योंकि जिस भाई से यार ये मैंने लिए थे ना, वहाँ उसके पास कह रहे थे इसकी नेचर ही ऐसी होती है, जो जगह इसको पसंद आएगी ना ये सिर्फ वहीं पर ब्रीड करता है, और जो जगह इनको पसंद नहीं आएगी वहाँ पर ब्रीड नहीं करता। तो यार मैं अभी इनका दाना चेंज कर लेता हूँ। माशाल्लाह यार ये देखिए हमारा मॉइस्चराइज़ वाला पेड़ बनने जा रहा है एक साथ, बहुत ही प्यारा पेड़ है यार ये। इसके कलर कॉम्बिनेशन देखिए, इसकी खूबसूरती ही अपनी है यार। तो यार मैंने इन पेरेट्स का दाना चेंज कर लिया, और अभी मैं इनके लिए पानी लेके आता हूँ। और यार उसके बाद हमें अंबर को भी खाना देना है, अंबर को मैंने सुबह से खाना नहीं दिया, तो उसके लिए पानी भी भरते हैं और उसको खाना भी देते हैं अभी हम। यार हमारे परिंदों को ना हम रोज़ाना वेजिटेबल्स देते हैं। ये देखें मैं अभी इनके लिए लौकी लाया हूँ नीचे से कट करके। चलो भाई ये लो, लौकी आ गई है तुम्हारे लिए। वो देखें यार ये बहुत शौक से खाते हैं। देखें मैंने इनको दाना भी दिया था और लौकी भी दी है। ये दाना छोड़ के जो है ना ये लौकी पे चले गए हैं दोनों। तो यार अभी लाइट आ गई है, और मैं अंबर के लिए पानी भर दूँ यार जल्दी से, फिर ऐसा ना हो कहीं लाइट चली जाए। जल्दी से मैं हमारे अंबर के लिए पानी भर देता हूँ, और यार इनमें भी पानी भर दूँगा मैं, ये शायद पानी के लिए खड़े हुए यहाँ पे। यार ये देखें ये जो हमारा पाम है ना, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, तो इसको ना आज इसकी कटाई की है हमने। नीचे नीचे के इसके जो भी सारे पत्ते थे ना वो हमने काट दिए हैं, और इसको जो है ना अच्छे से सफाई कर दी है इसकी। ये वाला भी बड़ा हो गया यार। ये वाला पाम जो है ना ये इतना सा था हमने लगाया था, और देखें आज भी इतना ही है। मजाक कर रहा हूँ, मतलब आज देखें कितना ज़्यादा बड़ा हो गया। ये ज़मीन से लेकर ना सिर्फ इतना सा था, और यार आज देखें कितना ज़्यादा बड़ा हो गया। ये देखें सीढ़ी भी कम पड़ रही है इसके लिए, यहाँ तक बस सीढ़ी आती है, आगे भाई वाले यहाँ चढ़ के जाते हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया इसको संभालना। ये देखें ये अभी छोटा सा है, इसको तकरीबन यहाँ पे हमारी पार्क में लगे हुए तकरीबन भी 12-13 साल हो गए हैं यार इसको। ये देखें इतनी हाइट की है इसने, और इसको भी कोई 10 साल तकरीबन हो गए होंगे यहाँ पे। लेकिन यार ये एक ही जगह पे नहीं लगाया था हमने, पहले कहीं और लगा हुआ था, यहाँ पे लगा हुआ था, फिर यहाँ पे, फिर अभी जो है ना इसको 2-3 साल से यहीं पे लगा हुआ है। बाकी वो वाला जो है ना वो वहीं पे ही लगाया था, और इतना सा लगाया था हमने, छोटा सा ज़मीन से जो है ना, इसकी हाइट बहुत ही छोटी सी इतनी सी थी, और आज तकरीबन 12-13 साल के बाद देखें कितना बड़ा हो गया माशाल्लाह। अभी मैं जल्दी से हमारे अंबर के लिए पानी भर देता हूँ। वो देखें अंबर भी इंतजार में खड़ा हुआ है वहाँ पे। देखें यार अंबर डर रहा है। यार डरो नहीं अंबर, मैं तुम्हारे लिए पानी भरने आया हूँ, कुछ भी नहीं करूँगा। यार इतना डरते क्यों हो तुम अंबर, तुम यहाँ पे खड़े रहो यार, तुम ना मुझसे डरा नहीं करो अंबर, तुम बहुत ज़्यादा डरते हो। मैं ना तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा मैं, तुम खामखा में इतना डर रहे हो मुझसे। मैं भी सिर्फ तुम्हारे लिए पानी भरने आया हूँ। देखो यार इतनी गर्मी में मैं तुम्हारे लिए पानी भरने आया हूँ, मुझे खुद को इतनी प्यास लगी है। देखें और धूप भी देखें यार, आज तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और यार देखें फिर भी अंबर मुझसे डर रहा है। यार तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, दोस्ती कर लो मुझसे। मैं अभी तुम्हारे लिए पानी खोल के आता हूँ, इसमें पानी भर के देता हूँ तुम्हें, और ताकि तुम भी नहाते रहो। यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है यार बहुत, आज तुम नहाते ही रहना, तुम पानी से बाहर नहीं निकलना। और मैं ना तुम्हारे लिए यूँ एक मिनट में खाना भी लेके आता हूँ, तुम बस यहीं रुके। यार गर्मी देखें कितनी ज़्यादा हो गई है मुझे, लेकिन यार क्या करूँ, इनके लिए भी काम तो करना है ना, ये भी हम लेके आए, तो उनकी भी केयर हमें करनी है ना। तो अभी मैं जल्दी से ना पानी भर के आता हूँ। आ जाओ भाई नहा लो नहा लो। यार अंबर को ना मैं फर्स्ट टाइम ऐसे नहला रहा हूँ, देखें उसको ऐसे लग रहा है जैसे बारिश हो रही है। मज़ा आ रहा है अंबर, इतना ज़्यादा खुश हो रहा है यार। हमारे जो है ना ज़मीनों का पानी भी इतना ठंडा है यार। ये जो पानी है ना ये डायरेक्ट प्योर पानी ज़मीन के नीचे से आ रहा है, और इतना ठंडा होता है ना। देखें वो खुश हो रहा है अंबर बहुत ज़्यादा, कितना खुश हो रहा है। हाँ नहाना है, और अभी देखें दोस्तों अभी भाग रहा है ये। भाग क्यों रहे हो भाई, तुम तो पानी के लिए बने हो ना। यार ये देखें छुप रहा है, ये दरख्त के पीछे छुप रहा है, इसको पता है यहाँ पर छुपूंगा तो पानी नहीं लगेगा। कभी मैं इसको ये खुल करके दे देता हूँ, और देखना दोस्तों ये पता नहीं कौन सी चीज़ पानी के अंदर खाता रहेगा। तो यार अभी ना मैं हमारे पौधों को पानी नहीं दे रहा हूँ, बस थोड़ा थोड़ा सा ऐसे,
ताकि ये ज़मीन ठंडी हो जाए। तो यार अभी ना मैं हमारे पौधों को पानी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि सूरज जो है ना वो बिल्कुल सर के ऊपर है, और इस टाइम पे ना पौधों को पानी नहीं दिया जाता, क्योंकि फिर ये जल जाते हैं। सूरज बिल्कुल ही ऊपर है सर के, इस टाइम पे पानी नहीं दिया जाता। फिर मैं इनको शाम के टाइम पे पानी दे दूँगा। अभी मैं थोड़ा थोड़ा सा जो है ना गर्मी की वजह से इन पर छिड़काव कर देता हूँ। अभी तक मुझसे डर रहे हो, देखो मैं तुम्हारे लिए कितना कुछ कर रहा हूँ इतनी ज़्यादा गर्मी में, और तुम मुझसे अभी तक डर रहे हो। ये तुम सही नहीं कर रहे हो, मैं बता रहा हूँ। इधर आ जाओ ना, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आया हूँ, इधर आ जाओ। यार इसके मैं थोड़े छोटे छोटे पीसेस बना दूँ, ये बड़े एक साथ खा नहीं पाएगा बेचारा। तो यार मैंने अंबर को खाना यहाँ पे दे दिया है, लेकिन यार ये अभी नहीं खा रहा है, पता नहीं क्यों, ये डर रहा है शायद मुझसे। पर ये अंबर खुद ही खाना खा लेगा यहाँ से, इसको पता है यहाँ पे इसका खाना रखा होता है ना। अभी नहीं खा रहा क्योंकि मैं खड़ा हूँ, ये डर रहा है मुझसे बहुत ज़्यादा। तो यार ये था हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।